सोलन नगर निगम में चुनावों के दौरान भाजपा और कांग्रेस ने मतदाताओं से बहुत से वायदे किए। मतदाताओं ने इन्हीं वायदों के आधार पर मत डालकर अपने चहेते नेता को जीत दिलाई। 9 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की, वहीं भाजपा 7 वार्डों पर ही जीत हासिल कर सकी। केवल 1 वार्ड में आजाद उम्मीदवार विजय रहा। कांग्रेस ने सोलन वासियों को चुनावों के दौरान रोज पानी देने का वायदा किया था और साथ ही कूड़े को एकत्र करने के लिए जो शुल्क नगर परिषद निगम वसूल करती थी उसे माफ करने के लिए कहा था। अब कांग्रेस नगर निगम चुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा ने प्रेसवार्ता कर ये घोषणा की है कि वे अपने सभी वायदे नगर निगम का पदभार संभालते ही जल्द पूरा करेंगे और सोलन वासियों को राहत प्रदान करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस द्वारा की गई इस घोषणा पर सोलन में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। शहरवासियों ने जहां एक ओर इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर शहरवासियों ने कहा कि अगर नगर निगम सब कुछ माफ कर देगी तो ऐसे में नगर निगम के पास फंड कहां से आएगा और विकास के कार्य शहर में कैसे होंगे, इस बात पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में अगर कांग्रेस पानी 100 रुपए और कूड़ा निशुल्क एकत्र करने की बात कर रही है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। इससे शहरवासियों को बहुत राहत प्रदान होगी, जिसके लिए वे कांग्रेस की नगर निगम का धन्यवाद करते हैं, लेकिन साथ में वे ये भी चाहते हैं कि इसका असर सोलन के विकासात्मक कार्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। सर, मेरा मानना कि अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है जी, आज की डेट में पानी की समस्या देखो, पानी हर रोज तो आता नहीं है। ठीक है जी, पानी की समस्या है कि जैसे पानी आ जाता है फिर 2 दिन बाद नहीं आता है। ठीक है जी, अगर सरकार कांग्रेस सरकार इतना कुछ करती है तो इससे बेटर क्या हो सकता है जी। सबसे पहला तो जनता का पानी प्रॉपर मिले। ठीक है जी, कम से कम एक एक टंकी भी मिल जाए वो भी बहुत है, लोगों का काम चले। ठीक है जी, तीसरे दिन का पानी आएगा तो काम आपको पता ही कितना मुश्किल होता है। आज की डेट में बच्चों के कपड़े भी धोने, बाकी भी काम, पीने का भी पानी है। ठीक है जी, अगर सरकार दे रही है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि हर रोज पानी भी दे ना, 1-2 घंटा भी पानी दे वो बहुत है। और पानी का बिल जो है वो 100 रुपए जो कांग्रेस है वो दावा कर रही है कि 100 रुपए में दिया जाएगा, क्या कहेंगे? अगर कांग्रेस सरकार इतना अच्छा निर्णय ले रही है कि 100 रुपए के पानी के हिसाब से भी पानी भी हर रोज दे रही है, 100 रुपए महीने की वो चार्जिंग भी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कूड़े के लिए भी सर, सबसे पहली बात तो ये है कि कूड़े की अगर गंदगी प्रॉपर उठाई जाए, ठीक है जी, अगर प्रॉपर भी उठाए, पैसे भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि गीला अलग दो, सूखा अलग दो। ठीक है जी, लोग टाइम पे ले जाते हैं, ठीक है ले जाते हैं, पर अगर फ्री में उठाते हैं, प्रॉपर उठाए तो बहुत बेटर है जी। ये देखिए जी, इसके बारे में मैं पहले तो सारे निर्वाचित पार्षद का स्वागत करते हैं हम सोलन नगर में, और वो सारे के सारे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, वो दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष भाव से वो जनता की सेवा करें। और जैसा आप जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है आज कि हम 100 रुपये जो है वो पानी के लिए देंगे और ये कूड़ा निष्पादन है इसको निःशुल्क कर देंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस बात का उनका हम इस बात का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, अच्छा डिसीजन है। लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखिए कि प्रदेश या देश के अंदर हमने वेलफेयर की इकॉनमी नहीं बनानी है। हमारी अभी म्यूनिसिपल कमेटी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ये बात कहना चाहूँगा कि ये डिसीज़न ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जो है कमेटी की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, जिससे देश कभी भी वेलफेयर की इकॉनमी से नहीं चलता। जब तक आपके सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कोई भी काम नहीं करेगा। मैं मानता हूँ कि हर आदमी को अगर कोई 5,000 रुपये का पानी यूज़ कर रहा है महीने का, उसका 100 रुपये का बिल, तो ये जस्टिफाइड बातें नहीं है। परंतु क्योंकि आप जीत के आए हैं, आपने अपने संकल्प पत्र में ऐसी बातें लिखी हैं तो आप दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो कॉरपोरेशन, जो नई कॉरपोरेशन बनी है जिसमें नव निर्वाचित जो है हमारे सब प्रथम मेयर बनेंगे और डिप्टी मेयर बनेंगे, तो ये बड़ी एक हमारे को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से आप कहाँ से उसका बजटरी प्रोविजंस करवाएंगे। आपको अगर टोटल अगर हाउस की कलेक्शंस कर रहे हैं तो इतना पैसा कहाँ से आएगा और डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? आप ये मत सोचिए कि इमीडिएटली आपको फंड्स मिल जाएंगे, इसके लिए अभी तो बनी है। अभी आज नगर
निगम बना है इसके अंदर फंड्स आने के लिए, उसके एलोकेशन होने के लिए भी समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए उनका धन्यवाद करना चाहेंगे।